नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और वीडियो की शुरुआत ये प्यारे से मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे मॉर्निंग ग्लोरी की केयर और नर्सरी प्राइस इसका क्या रहेगा और किस तरीके से आप इसको एक से अनेक पौधे बना सकते हैं, तो कुछ यही पॉइंट मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं मेरे गार्डन का। देखिए, वाइट गुड़हल पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और इतनी सारी बर्ड्स इसमें बनी हुई है। ये पेटूनिया के फ्लावर, ये मेरे फ्री के फ्लावर्स हैं और गुड़हल पे भी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। जैसे जैसे बारिश होती है तो जितने भी हाइब्रिड हो, चाहे दूसरे गुड़हल हो, देसी वाले, सब पे अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये फ्लावर है मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट, अगर इस प्लांट की नर्सरी प्राइस की बात करूँ तो ये मैंने 50 रुपीज़ में रामराज नर्सरी से लिया था। और जब ये प्लांट मैंने लिया था, मैंने आपसे शेयर किया था कि उसमें दो बीज बने हुए थे, जो मैंने उसी समय दो मेरे प्लांटर जो थे उनमें ग्रो किए थे। और कुछ ही समय बाद देखिए, आपसे शेयर करती हूँ कि हफ्ते के अंदर ही उसमें से छोटे छोटे से नए पौधे निकल आए थे और आज वो बढ़िया सुंदर सी एक बेल बन गई है और लगभग 5 से 6 फुट की बेल। देखिए, ये मेरा जो मैंने 20 से ग्रो किया था, ये वो प्लांट है। ये मैंने एक प्लास्टिक का पॉट था, उसमें दो बीज लगाए थे, उसमें से एक इसमें ग्रो हो गया। और देखिए कितनी लंबी सी स्टेम, आज 1.5 महीने के अंदर ये 5 से 6 फुट की लंबी ग्रो हो गई है और आज इस पर दूसरा फ्लावर भी खिला है। और ये सुबह के 11:30 की वीडियो है और कल जब इसका फूल खिला था तो मैं 1:30 बजे छत पे आई थी, तब भी इसका, देखिए 1:30 बजे भी ये फ्लावर अच्छे से खिला हुआ था। और ये प्लांट, जैसा कि मैंने बताया कि आपको 50-60 रुपीज़ में नर्सरी से आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। और इसकी सबसे बढ़िया बात है कि आप इसके बीज से, और अगर आप खुद भी ग्रो नहीं करते और जब इसके फ्लावर्स सूख जाएंगे तो उसके अंदर कम से कम 2 से 3 बीज होते हैं अपने आप ही वो झड़ के, और जो आसपास के गमले होंगे उसमें ये आसानी से ग्रो हो जाता है। और केयर की बात करूँ तो ये मैंने टेरेस पे रखा हुआ है, क्योंकि अब जो बारिश का सीज़न है, गर्मी भी कुछ कम हो गई है, तो आसानी से अच्छे से चल रहा है ये प्लांट। जो दूसरा प्लांट मैंने जो बीज से ग्रो किया है, उसे मैंने नीचे बैल्कनी में रखा है, तो उसकी प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है, लेकिन फ़िलहाल उसमें कोई फ्लावरिंग नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन में, अगर ये फुल सनलाइट में पड़ा है तो इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, और अगर आपके पास छोटी सी बालकनी है और 3-4 घंटे की भी धूप आती है तो भी ये फ्लावर बहुत अच्छे से, ये फूलों वाली बेल है नाजुक सी और ये अच्छे से चल जाती है। वैसे तो जैसे ही इसको मॉर्निंग ग्लोरी कहा जाता है, तो सुबह 5 से 6 बजे इसके फ्लावर खिलते हैं और जैसे जैसे 10-11 बजे के टाइम तक ये मुरझा जाते हैं। लेकिन अभी रेनी सीजन चल रहा है तो इसकी फ्लावरिंग, कल मैं छत पे जब 1:30 बजे आई थी तब भी इसकी अच्छे से एक फ्लावर इस पर खिला हुआ था। तो इसको प्रोपगेशन का तरीका तो जैसे मैंने बताया कि इस पर दो बीज बने हुए थे और दोनों ही मेरे अच्छे से चल गई है बेल। प्रोपगेशन भी इसकी बहुत ईजी है। और अगर केयर की बात करें तो बस जैसे हम हर प्लांट्स में थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देते हैं या DAP के कुछ दाने, अब मैं अपने प्लांट्स में पोटास का भी यूज़ करती हूँ, तो थोड़ा सा उसको भी फ्लावरिंग वाले प्लांट है जैसे गुड़हल वगैरह उन पे दे देती। तो दोस्तों, अगर आपके पास चाहे कम जगह तो भी आप इस प्लांट को अपनी बैल्कनी में, अगर आपके नेट है तो उसके सारे सारे इसको आप चढ़ा सकते हो। बहुत ही सुंदर से इसके फ्लावर हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और जुड़े रहिए मेरे आने वाली वीडियो से। आपके कमेंट से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट करना ना मत भूलिए। और दोस्तों, आपसे इस वीडियो के ज़रिए एक बात शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसा कि हम सबको पता चल ही चुका है कि जितनी भी हमारी नर्सरी है, रामराज नर्सरी और कमलेश नर्सरी, उसके आसपास की जितनी भी जो नर्सरी हैं, वहाँ पर बाढ़ आने की वजह से उन लोगों का काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। तो
वैसे भी हम प्लांट्स खरीदते ही रहते हैं, तो प्लीज़ जाइए और जाकर कुछ प्लांट्स लीजिए और उन लोगों की मदद कीजिए। वैसे तो ये मदद नहीं है, क्योंकि हम लोग वैसे भी अपने गार्डन के लिए प्लांट्स लेते ही रहते हैं, लेकिन हमेशा हम अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करते हैं। लेकिन इस बार इस हालात को देखते हुए हमें ज़रूर जाना चाहिए वहाँ से और कुछ प्लांट्स अपने गार्डन के लिए लेने चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।